बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन क्या है? विदाउट वायर हम कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें हमारे पास वायर की ज़रूरत नहीं होती। किस तरह? यहाँ पे देखिए, हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन टू आर मोर डिवाइस, हम एक और एक से ज़्यादा डिवाइसेस में हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कनेक्शन। हमारे पास इसमें फिजिकल कनेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता, बस हम थ्रू द वायरलेस एक हम क्या करते हैं, टू डिवाइस को या टू से ज़्यादा डिवाइसेस हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। या यहाँ पे देखिए, हमारे पास ये ऑप्टिकल फाइबर हैं और इसके ज़रिए, मतलब हम वायर के ज़रिए जो हम कनेक्ट करते थे, अगर हम अब इसको हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और एक ये टू डिवाइसेस है, इसके हम थ्रू द वायरलेस इसको हम कनेक्ट करेंगे। वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास यूज़ ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, इसमें हमारे पास वायर टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होते। वायरलेस का मतलब ये वायर और लेस, इसका मतलब ये कि हमारे पास इसमें वायर यूज़ नहीं होगा, थ्रू द सिग्नल तो हमारे पास डेटा जाएगा। यहाँ पे ट्रांसमिट डेटा विद आउट यूजिंग वायर, इसमें हमारे पास वायर हम यूज़ नहीं करते, विदाउट डेटा विदाउट ट्रांसफ़र करते हैं, लेके जाते हैं थ्रू द किसके ज़रिए, थ्रू द एयर के ज़रिए। और मीडियम हमारे पास क्या होगा, वो एयर होगा। एंड ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है और शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है। जिस तरह हमारे पास अगर हम सैटेलाइट की कम्युनिकेशन करेंगे तो ये हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस में आएगा, क्योंकि सैटेलाइट के लिए जो हम या टीवी वगैरह की डिश वगैरह लगा देते हैं, तो सैटेलाइट के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये हमारे पास इतना तार हमारे पास नहीं होता, वायर हमारे पास दरकार नहीं होता कि हम सैटेलाइट आसमान की तरफ लेके जाएँ। थ्रू द वायरलेस हम इसको करेंगे, थ्रू द सिग्नल हम करेंगे। इस तरह हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस ये याद है। जिस तरह हमारे पास वाईफाई है, तो वाईफाई के ज़रिए हम डिफरेंट डिवाइस को करीब कनेक्ट करते हैं थ्रू द वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होते हैं, किस तरह हमारे पास ये इसको हम लेके जाते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हमारे पास जो सिग्नल होते हैं वो कंप्यूटर हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास जो तार में या वायरलेस में जो हवा के फाथ में जा रहे होते हैं, वो हमारे पास ये इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल्स हैं, ये कंप्यूटर से जो हमारे पास कंप्यूटर का जो डेटा होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जाता है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास हाई और लो और हाई हमारे पास होते हैं। 101 फॉर्म के जो डेटा हमारे पास यहाँ पे चला जाता है, तो 1 हमारे पास हाई होता है और 0 हमारे पास लो होता है। और इस तरह हमारे पास ये वेव में चले जाते हैं। और जिस तरह और फिर इनके लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव यूजिंग एंटीनास। और हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव को रिसीव करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीना लगाते हैं। किस तरह के हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को चेंजेस करें, इसमें चेंजेस लेके आएँ। किस तरह चेंजेस ले, ये कन्वर्ट करें, ये कन्वर्ट करें किस में, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव में। और फिर हमारे पास ये डेटा हम क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो ये हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम वायरलेस टू द विदाउट वायर हम कम्युनिकेशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।